अंदर में ए प्लस बीजेपी टीम एक है जो अंदर बैठे खिचड़ी करके जहर भर रही है आपस में हम लोगों के जिंदाबाद वाले कोई है। अरे सेठ नहीं बैठ रहा है इलेक्शन में, सेठ बैठ रहा है आप फिक्र मत करो, ये बड़े हैं, ये हमारे मार्गदर्शक है। गांजा बेचने वाले हमारे मार्गदर्शक नहीं हो सकते, मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर करके बेचारे जमात के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है। बेलगाम में आपने देखा है गौरजी साहब कांग्रेस वाले हैं, अगर आप भी मैं लिंगायत मैं मराठा मैं करते बैठेंगे तो फिर आप कांग्रेस वाले नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप भी भूल गए, इसका मतलब ये होता है। और बीजेपी की आज जो सरकार है जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे जो थे नहीं कांग्रेसी वही 17 लोगों की मेहरबानी से आज हम सब तकलीफ में है, इनको हमेशा दूर रखिए अपने से। ये चटपट लोगों को लगता है कि लोग सब भूल गए, लोगों के मन में हम फंसे हैं आज भी है और कहीं जाने वाले नहीं है। ये नहीं वनपुरी होता इधर ही नहीं ले इधर ना, हाँ ऐसे बहुत से वनपुरी है बेलगाम शहर में, दो चार इधर उधर के जिंदाबाद बोलने वाले कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है हमको, वो आते हैं जाते हैं, बड़े आते तो बड़े जाते हैं, वो बड़े भी जल्दी में बैठ के पैर पड़ने लगे आजकल क्या करें, वो कहाँ के बड़े हो गए किसी के मुंह में लेके खाना खाने का हमारे बहुत बड़े नेता सुनील हरदनवर जी इनके पिताजी इनके फैमिली के बड़े बड़े लोग जो सौ सौ साल से कांग्रेस के लिए एक स्पिरिट बन के रहते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस का इतिहास सुनिए, कल के आए हुए लोगों से क्या कांग्रेस का इतिहास सुनिए। मगर एक बात मैं नेताओं से कहूंगा, जितने आप बैठे हैं यहाँ पे आजकल फैशन हो गया है जेडीएस को बीजेपी का बी टीम बोलना, एमआईएम को सी टीम बोलना, कांग्रेस के अंदर में ए प्लस बीजेपी टीम एक है जो अंदर बैठ के खिचड़ी करके जहर भर रही है आपस में हम लोगों के, इसको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने की कोशिश हम और आप मिलकर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज से मैं कहता हूँ आपको पिछले 14 साल से ये ऑफिस कांग्रेस के लिए हमने छोड़ दिए है, मेरे नाम से कम महीने को 1,25,000 रुपया डेबिट होते जा रहा है मार्क डाल रहे हैं और आपके सामने मालूम है मेरा 40% भी नहीं 20% भी नहीं 2% भी नहीं, फ्री है मेरे और वन फ्री के साथ में और दो फ्री साथ में है, एक बच्चों के अलावा और दो को फ्री में साथ में लेके जाओ, दो वाइफ भी है बेटा भी है और बाकी सब ये अपनी तारीफ करना कभी कभी जरूरी होता है। नेता का क्या काम होता है, हमने गरीब से गरीब बस्तियों में बहुत ही कम दाम में लोगों को जमीन मिले जैसे वातावरण पैदा किए, किसी को उनके नजदीक जा करके काम रोकने की हिम्मत नहीं हुई वैसा वातावरण हमने बनाया था 2008 से 2018 तक, लोगों ने घर बांधे कम से कम 10,000 मकान बांधे, उनको परमानेंट बनाने के लिए अक्रम सक्रम का स्कीम भी लाया गया पास भी हुआ, कुछ वजह से सुप्रीम कोर्ट से एक पिटीशन पे आड आया वो भी खुला हो जाएगा ऐसे सुना है कि जो भी मकान 500-600 स्क्वायर फीट के नीचे है वो क्लियर कर देंगी सरकार, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। वैसे हमने ऐसे एरियाज को डेवलप किया जहां मालिक लोग को 200 रुपया किराया नहीं मिलता था, वहां 20,000 रुपया मिल रहा है। ये मेरा काम था कि लोगों को शिक्षित बनाना, उनको दौलतमंद बनाना, उनकी दौलत को बढ़ाना, यही काम होता है नेता का, और क्या काम होता है। हमने कम से कम 4,000 मकान बांधे हैं, उनकी बात सुन के आपको चलना है। हमने काम किया 2008 से 2018 तक आपके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, अच्छा भी किया होगा थोड़ा बहुत गलती हो गई रहेगी तो मालूम नहीं, सामने आके बता सकता है इतना जिसको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है कोई मीटिंग का हमेशा सुनना सोचना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपका तो हो गया भविष्य में जो होना था, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आज अभी तक तो ठीक है, निकल रहे हैं घर से पहुंच रहे हैं साइड से चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है आपके,
आपके पास कितने मुद्दे हैं बात करने के लिए, तारीफ करने के लिए, कुछ कम नहीं है। टाइम पास के लिए लोग बैठे हैं बस स्टैंड में, बस स्टैंड के थोड़ा उत्तर जिंदाबाद वाले कोई है, अरे सेठ नहीं बैठ रहा है इलेक्शन में, सेठ बैठ रहा है, आप फिक्र मत करो, बैठेगा भी, खड़ा भी रहेगा और दौड़ेगा भी। और ये अटल पटन चटन पट रहा हम देख बहुत देख चुके हैं, बचपन से खेलते आए हैं, ऐसे वो काम ऐसे ही करते आए, ऐसे ऐसे हमारा ऊपर हमारे धर्म गुरु जो है, हमारे उलमा जो है, हमारे पंच मंडली है, जमात के बड़े हैं, ये हमारे मार्गदर्शक है। गांजा बेचने वाले हमारे मार्गदर्शक नहीं हो सकते, इसमें आप जाते और अपने बच्चों को छोटे मोटे खुशी के लिए बेचारे इधर उधर इनके उनके पीछे भागते हैं तो वो समझते हैं बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो। हम आपके सामने खड़े हैं, ना आपका हमको झुकना पसंद है, ना हम किसी के सामने झुकने वाले हैं, चाहे फिर लोग कोई भी हो, हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। स्वाभिमान यही हमारा आड़ाना है, अब स्वाभिमान से ही जिएंगे और स्वाभिमान से ही चले जाएंगे। ये हमारे बाप दादा की इश्क है, आपके बहुत से बाप दादा को भी पहचानता हूँ, बैठे हैं जो मेरे मित्र है, गदीप साहब है, सभी जितने भी है यहाँ पे, सब के खानदान के ऐसे लोग हैं। जरूरी नहीं कि खानदानी बोले जाने के लिए बहुत बड़ा दौलतमंद होना चाहिए, एक शक्ति स्वाभिमान की होती है वो अपने आप में रखिए। ये तो हिंदू मुसलमान कर करके बेचारे जमात के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है। बेलगाम में आपने देखा है गौरवी साहब कि अंजुमन बेलगाम अंजुमन आपके सदर कांग्रेस के भी है और अंजुमन के भी है, रात दिन अपनी जान दांव पर लगा के ये और इनकी पूरी टीम 100-200 बच्चों की लोगों की सेवा में लगाए कोविड के टाइम पे। ये चटपट लोगों को लगता है कि लोग सब भूल गए हैं, लोगों के मन में हम फंसे हैं, आज भी है, ये आइडियोलॉजी में मानते हैं, ये फिलोसफी में मानते हैं, कोई वक्तलिगा नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, हम सब भारतीय है और एक दूसरे के लिए है। हम भारतीय चाहते उसकी रक्षा करें तो फिर आप कांग्रेस वाले हैं, अगर आप भी मैं लिंगायत मैं मराठा मैं करते बैठेंगे तो फिर आप कांग्रेस वाले नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप भी भूल गए, इसका मतलब ये होता है। उभर के आइए, सिर्फ ये कहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं कांग्रेसी विचार का हूँ, इतना ही काफी है अच्छा जिंदगी और भविष्य में भारत को आगे लेके जाने के लिए, जहां तक आगे ले जाना था लाख एक जगह पे रुक गया है 2014 से, उसको ब्रेक लगा करके वापस लाना है। आपने 2013 और 18 के बीच में बेलगाम देखा है और 18 के और 22 के बीच में भी आप देख रहे हैं क्या क्या तमाशा चला है बेलगाम शहर में, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के बाहर और बीजेपी वालों के सत्ता और बीजेपी की आज जो सरकार है, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे जो थे नहीं कांग्रेसी, वही 17 लोगों के मेहरबानी से आज हम सब तकलीफ में है। इनको हमेशा दूर रखिए अपने से, we are in trouble and this government is in existence because 17 of our own people left us and went away sir, ye gaye isliye hum takleef mein aaye, to hum agli baar aise logon ko chunenge jo jaate nahi hai, ye bahut zaruri hai, na ki fir laake unko wapas bithayenge to fir unke mein aur hamare mein farak kya rahe, jo bhi hai jaisa bhi hai chalta hai kachra leke aao satta mein aaye to hum kaafi hai, humko aisi satta nahi chahiye, humko क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए। इतना कहेंगे आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ में था, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ में ही रहूंगा। और आज ये कह रहा हूं कि मैं 2023 के इलेक्शन में आपके सामने आपका एमएलए बनने के लिए खड़ा रह रहा हूं। बाकी अल्लाह की मर्जी, जीतना हारना तो जिंदगी में चलते ही रहता है, मगर आपके साथ में हम हैं, आप हमारे साथ में चले थे, हम आपके साथ में चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।